हे गाइस, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था, माइनर से मेजर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक 18 साल से कम उम्र वाले पर्सन का। अगर आपने पैन कार्ड बनाया है तो उसे आप माइनर से मेजर कैसे करेंगे, हमने ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे उसका डॉक्यूमेंट आप कैसे अपलोड करेंगे फुल्ली स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आ जाना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे और यहां से आपको सर्च वाले ऑप्शन में पैन सर्च करना है। सेकेंड नंबर ऑप्शन पर आपको आ जाना है। देख सकते हैं ये पैन की ऑफिशियली साइट खुल गई। वीएलई यूज़र पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट करने के एक दिन बाद मैं उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जा रहा हूँ। किसी कारणवश हमने उस डाटा को अपलोड नहीं किया था, तो आप उसे कैसे उसे चेक करेंगे, उसे आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे खोजेंगे, जस्ट आपको आ जाना है यहाँ पर पैन ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर। आपको थर्ड नंबर ऑप्शन में देखने आ जाएगा फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे आपके सीएससी आईडी में आपके इस पैन कार्ड साइड में जितने भी सारे अंडर ऑब्जेक्शन में रहेंगे, पेंडिंग में रहेंगे, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं हमारे में एक ही है, तो यहाँ पर आप एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो अप्लाई किया था ऑनलाइन प्रोसेस जो 4 स्टेप कंप्लीट किया था उसी को फिर से आपको चेकिंग करके और नेक्स्ट आपको करते जाना है। आपको कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको नेक्स्ट वाले बटन पे दबाते जाना है। अगर आपको कुछ चेंज भी करना हो तो आप अभी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। जैसे कि सारी स्टेप को आपको नेक्स्ट करके और कंप्लीट कर देना है। जस्ट यहाँ पे फाइनल स्टेप पे आप आ जाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऑनलाइन किया था, सेम उसी प्रकार से आप रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जस्ट यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर आपको पैन ऑब्जेक्शन में आएंगे और फोर्थ नंबर ऑप्शन में आ जाएंगे अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट। अब हम लोगों को अपलोड करना है। जैसे कि अपलोड में देख सकते हैं ये सेकेंड नंबर पर आ गया है। आप जिस भी कस्टमर का कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर शो करने लगेगा। आप यहां से अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अपलोड एंड दो ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉप एंड अपलोड। आपको यहीं से आप क्रॉप कर सकते हैं वो भी, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहां से अपलोड करेंगे। उसका फाइल और साइज हमने पहले से बना लिया है। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कितने साइज में आपको क्या चीज़ रखना है। जैसे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म रहा होगा। जैसे कि 2 पेज का आपको रिसिप्ट जनरेट निकला होगा, 1 पेज आपका आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और 1 आपका पैन का कॉपी होगा। टोटल डॉक्यूमेंट 4 हो गए। 4 डॉक्यूमेंट को आपको 200 dpi पे स्कैन कर लेना है, क्वालिटी रेजोल्यूशन 200 dpi पे, और उसका जो साइज होना चाहिए 2 MB से कम होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आता है फोटो स्कैनिंग। देख सकते हैं इसको आपको 300 dpi में करना है कलर मोड में। साइज जो होगी 213x213 पिक्सल की होगी साइज, और इसको 30 KB से अंडर रखना होगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर स्कैनिंग। आपको इसको 600 dpi में आपको इसको स्कैन करना है ब्लैक एंड वाइट, और इसकी जो साइज होनी चाहिए 60 KB से अंडर होनी चाहिए, 60 KB से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे हम अपलोड करते हैं। ये अपलोड वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं यहाँ से जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है बारीकी से। जैसे कि देख सकते हैं CSF4 कॉपी जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड में आ जाता है आपको सिग्नेचर। अब अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इधर ये टाइम लेगी और यहाँ से देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको एक पॉपअप जनरेट होगी, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर अपलोडेड। इसका अर्थ हुआ आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है, अपलोड हो चुका है जिसका एप्लीकेशन नंबर इतना है। यहाँ से आप जस्ट ओके करेंगे।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।